हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये मैंने लिए 15 आलू और हम इसकी बनाएंगे दम आलू की सब्जी। ये दम आलू बनाने के लिए लिए हैं मैंने 4 प्याज, 1 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां और 4 टमाटर। और इधर लिए हैं सूखे मसाले में लिए हैं ये दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 पीस काली मिर्च के और 2 से 2.5 पत्ते तेज पत्ता। ये सूखे मसाले लिए हैं, अब इनको काटते हैं। इधर कुकर में सीटी आ गई, कुकर एक ही सीटी मैंने बंद कर दिया है। ये आलू उबल गए हैं और इनको अब मैं डीप फ्राई करूंगा। सभी आलूओं को मैं ऐसे गोल्डन सुनहरी तल लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी इनको। ये सभी आलूओं को मैंने तल लिया है, और इससे भी छोटे आलू हो तो बहुत ही अच्छी सब्जी, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने काट लिया है अदरक, प्याज और लहसुन, और ये टमाटर। और इधर लिया है मैंने ये सूखे मसाले, और अब मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले जीरा, हींग और ये सूखे मसाले। मुझे अब डाल दूंगी ये अदरक के टुकड़े और प्याज और लहसुन। ये प्याज भुन गए हैं और ये टमाटर अब मैं 1 हरी मिर्च इसके अंदर और ये 4 टमाटर इसके अंदर डाल दूंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक सिर्फ प्याज टमाटर के लिए और अच्छे से भुन जाएंगे इसलिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक बहुत ही कम डाला है मैंने इसमें। ये हमारा मसाला भुन गया और हम करते हैं गैस बंद। इसको ठंडा होने पे मिक्सर में डाल के पीस देंगे। और ये जितने मोटे छिलके हैं, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब हम निकाल देंगे। सिर्फ लौंग और काली मिर्च इसके अंदर रहेंगी, बाकी जितने मोटे मसाले सब निकाल देंगे। इसको मिक्सर में पीस लेंगे। अब ये मसाला पीस के मैंने तैयार कर लिया, इसको अब दोबारा चौकेंगे घी डाल के। ये डाल दिया घी,
कढ़ाई में डाल दिया घी और डालूंगी जीरा और जो जो हमारे पिसा हुआ मसाला है ये पूरा इसमें डाल दूंगी। तो भूनेंगे अच्छे से थोड़ा सा वो के अंदर डाल दूंगी हल्दी पाउडर आधी चम्मच नमक आलू के हिसाब से और ये है कश्मीरी मिर्च एक चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा। ये है एक कटोरा दही जो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। दही पक गया है और ये डालूंगी एक बड़ा कप दूध। इसको कंटिन्यू चलाएंगे आप। जब तक उबाल नहीं आएगा इसमें इसको लगातार चलाऊंगी। देखिए उबाल गया अच्छे से और ये अब मिक्सी में जो मसाला पीसा था उसका जो मसाला चिपक गया था वो पानी डाल दूंगी इसमें और थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। ये उबलने लग गया और ये जितने भी आलू हैं मैं सब इस तरी में डाल दूंगी। और इनको कुछ टाइम पकने दूंगी ताकि नमक आलू के अंदर भी चला जाए। ये पक गए आलू और ये है मेरी कसूरी मेथी जिसका मैंने पाउडर बना रखा है इसमें ये डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और इसमें डाल दूंगी मैं ये धनिया। देखिए हमारी सब्जी कुछ ऐसी दिख रही है ये बनने के बाद और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। बनाएं खाएं और मुझे बताएं कैसी बनी। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।